दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर गहरी नींद में सो रहा है, यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में हैं अभी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर देती है, जिसके बारे में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को भी नहीं पता था। क्या चंद्रयान 3 गायब हो गया है, या फिर चांद पर कुछ ऐसा दिख गया है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के बाद अब विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड में चला गया है। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है, स्लीप मोड में जाने से पहले इन दोनों शूरवीरों ने अपना काम कर दिखाया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान से जितनी उम्मीद की थी उससे कई ज्यादा अच्छा काम कर दिखाया है चंद्रयान 3 ने। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जब उतरे थे तब से उन्होंने अपना काम जोरों शोरों से किया था। इसके बाद 4 सितंबर को 8 बजे विक्रम लैंडर को जब स्लीप मोड में डाल दिया गया था, साथ ही के वैज्ञानिकों ने बताया है कि लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है ताकि इसके बाद सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद भी विक्रम लैंडर प्रजीन रोवर के पास ही स्लीप मोड में चला गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि रोवर और लैंडर दोनों पास पास ही में है। अब इसरो वैज्ञानिक को इंतजार है 22 सितंबर का, क्योंकि इस दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस से एक्टिव हो सकते हैं और अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इसरो काफी उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन साथियों, इसी बीच अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसको देखकर इसरो के साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि नासा ने एक फोटो सभी के साथ शेयर की है जिसको देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान हैं। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या दिख गया था जिसको सिर्फ नासा ने ही ले पाया है, आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, सोते हुए प्रज्ञान रोवर ने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिखाया है। दोस्तों, यह बात आप जानते हैं कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिक ने स्लीप मोड में डाल दिया था, क्योंकि चांद के उस हिस्से में जहां पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर उतरा था, रात हो चुकी है। दोस्तों, इस दौरान सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया था, और फिर वह समय भी आ गया जब प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालना था, क्योंकि हो सकता है 22 सितंबर के दिन सूरज की किरणें वापस विक्रम लैंडर के ऊपर पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि वापस से हमारा मिशन शुरू हो जाए। कि सूरज की रोशनी से वापस विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पड़ेगी तो वापस से पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, और यह इसरो के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, और इस दौरान इसरो नया इतिहास भी लिख देगा। लेकिन साथियों, अगर हम बात वर्तमान समय की करें तो सोते हुए विक्रम लैंडर ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसे देखकर दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं, और उन सभी को चंद्रयान 3 के हैरान कर देने वाले कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि साथियों, अब आपके मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है। क्या चांद की उस भयानक दुनिया में कोई मिल गया है? क्या विक्रम लैंडर के पास कोई बहुत ही बड़ी चीज आ गई है? आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को तो जानते ही हैं कि वह कितने इंटेलिजेंट है, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके दिखा दिया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के दोनों रॉकेट चालू करके इसे लगभग 40 सेंटीमीटर की हाइट तक वापस ऊपर उठाया था, और फिर इसके बाद इसके स्थान को चेंज कर दिया और चंद्रयान 3 को दूसरी जगह पर लैंड करवा दिया। अब यहां पर इसरो का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि विक्रम लैंडर को सिर्फ एक ही बार चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन उसने ऐसा 2 बार करके दिखा दिया। फिर उसने चांद की सारी जानकारी जुटाकर धरती के तरफ यानी इसरो को भेज दी थी, और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब विक्रम लैंडर को कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक वापस से उड़ाया गया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब इसरो ने आखिरकार यह कारनामा करके दिखाया तब दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी के होश उड़ गए थे। वहीं हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर कुछ रहस्यमयी खोजें की हैं, जिसमें उसने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति भी मालूम की है, जो कि इसरो के लिए सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये बात आप जानते ही है कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। रोवर ने चांद की सतह पर कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों की खोज भी की है, जो मैग्नस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो नासा जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी या उनसे आगे निकल जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।